जी, जय जय बापू बापू जी। ओम बापू नंदा चौर वाले, आपकी सदा ही जय हो। जी, जय। मीरा जी का प्रसंग चल रहा है। मीरा जी का विवाह हो गया है और राजा भोजराज के महल में मीरा है। राजा भोजराज जो है वो उदयपुर के युवराज हैं और मीरा जी के लौकिक पति, सांसारिक पति। सामने गिरधर गोपाल जी की मूर्ति है और मीरा आंखें ध्यान ऐसे आंखें बंद करके बैठी है ध्यान में। उसी समय उनके पति आते हैं, राजा भोजराज। कहते हैं, मीरे ए प्रिय। अब मीरा खड़ी होती है, उनको नमस्कार करती है, अभिवादन करती है अपने पति का। कहती है, आइए राणा जी। भोजराज जो है वो बैठते हैं, राजा भोजराज। हाँ, आ तो गए ही रानी, पर कभी कभी मुझे इतनी खीज होती है कि तुम्हारे गिरधर गोपाल को कहीं बाहर भिजवा दूं। तो जी अनर्थ ना कीजिए महाराज, इससे उत्तम तो यही है कि आप मेरे प्राण निकलवा लें। अरे, अच्छा तुम्हें वैराग्य ही प्रिय था तो तुमने विवाह क्यों किया था? आज मेरे घर वालों ने मेरी सुनी ही कहा। मैंने बार बार कहा कि मैं गिरधर गोपाल को पति रूप में मान चुकी हूँ, उनको वरण कर चुकी हूँ। और जब फेर हुए थे, मैंने फेरों के समय भी इनको अपने साथ रखा। इनसे तो मेरा जन्म जन्म का नाता है। आप मेरे सांसारिक पति हैं, इसीलिए ये जो मेरा शरीर है, मेरा क्षणभंगुर शरीर है, इस पर आपका अधिकार है। और राजा भोजराज कहने लगे, अनर्थ है ये अपमान है मेरा, असहनीय है। मीरा कहती है, मैं क्षमा चाहती हूँ राणा जी, पर मैं विवश हूँ, लाचार हूँ, मैं तो पराई हूँ। अच्छा, तो क्या मैं यह समझ लूं कि मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं? मीरा कहती है कि संसार की दृष्टि में तो मेरे लौकिक पति हैं, आप मेरे लौकिक पति हैं, पर मेरी आत्मा पर आपका कोई अधिकार नहीं है। और पद गाने लगती हैं और कहती हैं, राणा जी मैं सांवरे के रंग राती, राणा जी मैं सांवरे के रंग राती, जिनके पिया परदेस बसत हैं, जिनके पिया परदेस बसत हैं, वे लिख लिख भेजे पाती, राणा जी मैं सांवरे। मेरा पिया मेरे ही बसत है, मेरा पिया मेरे ही बसत है, यह सुख कयो न जाती, राणा जी में सांवरे के रंग राती। झूठा सुहाग जगत कारी सजनी, होए होए मिट जासी, मैं तो एक अभी नासी वरूंगी, मैं तो एक अभी दासी वरूंगी, जाके काल नहीं खासी, राणा जी मैं सांवरे के रंग राती। और तो प्याला पी पी माती, और तो प्याला पी पी माती, मैं बिन पिए ही माती, राणा जी मैं सांवरे के रंग राती। ये प्याला है प्रेम हरी का, ये प्याला प्रेम हरी का,
मैं छकी रहूं दिन राती, राणा जी मैं सांवरे के रंग राती, राणा जी मैं सांवरे के रंग राती। मीरा पद गाती है और राजा भोजराज कहते हैं, ठीक है, जब तुम्हारा रोम रोम उन्हीं के गुण गाता है तो मैं तुम्हारे तन पर ही अधिकार करके क्या करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहिए राणा जी। देखो मीरा, तुम्हारा साधुओं की संगति में बैठना, महल से बाहर कुटियों पर कीर्तन करना जगह जगह चर्चा का विषय बन गया है, राजघराने की मर्यादा नष्ट हो गई है। अब मीरा चुप रहती है। वो कहते हैं कि उस दिन माता जी, बहन और भाई बहुत दुखी हो रहे थे, आपने उन्हें समझाया नहीं। आप तो मेरी भावना से भली भांति परिचित हैं, किस सीमा तक मैं भी उनको ठीक मानता हूं। सुनो मीरा, मेरा एक सुझाव है। राजा भोजराज मीरा को समझाते हैं कि मेरा एक सुझाव है। मीरा पूछती है, क्या? वो कहते हैं कि यदि तुम्हें सत्संग करना ही है तो साधुओं की कुटियों में जाने के बजाय उन्हें महल में ही बुला लिया करो, और यहीं एक छोटा सा मंदिर बनवा लो, और साधु समाज सहित यहीं अपने गिरधर के गुण गाया करो। तो मीरा कहती है, ठीक है, मैं प्रयास करूंगी, किंतु मुझे सत्संग से वंचित ना कीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा भोजराज कहते हैं, ठीक है। उधर राजमहल में राजमाता, जो राजा भोजराज की माँ है, बड़ी गुस्से वाली मुद्रा में बैठी है, और उनके छोटे बेटे मीरा जी के देवर विक्रमादित्य, राजा विक्रम, वहां आते हैं अपनी माँ के पास और माँ को प्रणाम करते हैं, और माँ कहती है, चिरंजीव हो विक्रम, कोई नया समाचार? क्या नया, क्या प्राचीन माँ, ये सब जगह एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है। अरे क्या विषय बना हुआ है? माँ, लोग कहते हैं कि लोक लाज कुल मान की मर्यादा सब खत्म कर दिया है इस मीरा ने। साधुओं की कुटियों पर जा जाके कीर्तन करती है, पद गाती है, मैंने तो सुना है अब नाचने भी लगी है। अब जो सासू माँ है मीरा जी की, राजमाता, हे राम, क्या होगा इस घराने का, कैसी कुघड़ी थी जब राजा भोजराज का संबंध इसके साथ तय हुआ था। मैं तो सारा दोष जो है भोजराज का ही मानता हूँ। छोटा भाई विक्रम कहता है कि मैं तो भैया भोजराज का ही सारा दोष मानता हूँ। अरे अगर मैं होता तो 2 दिन में इसे मीरा का ममीरा बना देता। पता नहीं भैया इतने कायर क्यों हैं, क्या उन्हें कुल की मान मर्यादा की परवाह नहीं है? आखिर वो पति हैं और इस राज्य के राजा भी, फिर औरत की क्या मजाल कि वो बात न माने। और अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं माँ बेटा, इतने में ही मीरा जी की ननद, जिसका नाम है उदा, वो भागती भी उदा आती है। कहती है, अनर्थ हो गया माँ, अनर्थ हो गया। अरे क्या हो गया, बता भी सही क्या हो गया। अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ माँ, कुछ कहेगी भी या नहीं? अरे भैया, अब तक तो मीरा साधुओं की संगत महल के बाहर किया करती थी, अब तो उन मुस्टंडों का प्रवेश महल में हो गया है। अरे क्या, हमारे महल में घुसने लगे हैं? हाँ, बगीचे में चलकर तो देखो, साधुओं की जमात बनी पड़ी है। और मीरा रानी जो है बड़ी निर्लज्जता से वो तुम्हारी उन साधुओं के बीच में बैठी है, जाकर खुद ही देख लो ना, मुझसे तो देखा नहीं जाता माँ। हद हो गई, हद हो गई, इस दीवानी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, राज मर्यादा को धूल में मिलाकर रख दिया, पता नहीं क्या करेगी ये। मैं पूछता हूँ, विक्रम कहते हैं मीरा जी के देवर, मैं पूछता हूँ उसे ऐसा करने की आज्ञा दी किसने? इतने में राजा भोजराज आते हैं, कहते हैं कि मैंने आज्ञा दी है। भैया आपने, कैसे कह दिया आपने मीरा को ये सब? आपने बजाय रोकने के मीरा को छूट दे दी, आप भी धन्य हैं। उस बदनामी से तो बचेंगे विक्रम, जो मीरा के महल बाहर जाने से होती है। अब जो कुछ होगा वो हमारी आंखों के सामने होगा। ये आपका भ्रम है भैया, अब और भी अधिक बदनामी होगी, सारा समाज कहेगा, राणा क्या राज्य करेंगे,
अपनी पत्नी को तो रोक नहीं पाए। सच भैया, मुझे तो आप पर तरस आता है, ये विक्रम कहता है। अच्छा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, राजा भोजराज कहती है। उधर बगीचे में खूब सारे साधु महात्मा बैठे हैं, मीरा जी बैठी हैं उनके बीच में, और गिरधर गोपाल जी विराजमान हैं। और मीरा जी कहती हैं साधुओं से कि आप मुझे क्षमा करें, यहाँ आने में आपको बड़ा कष्ट हुआ होगा, किंतु मेरी कुछ सीमाएं हैं, इसीलिए आज गिरधर गोपाल का कीर्तन करने का निश्चय मैंने यही किया है कि इसी बगीचे में जो है कीर्तन करेंगे। आप पधारे, सभी साधुओं महात्मनों से कहती है कि आप पधारे मेरे अहोभागे, चलो सांवरे का गुणगान हो जाए। सभी कीर्तन करते हैं, किसी साधु के हाथ में मजीरे हैं, किसी के हाथ में खड़ताल है, और कोई कहता है वृंदावन बिहारी लाल की जय, यशोदा के गिरधारी लाल की जय, गिरधारी लाल की जय, बोलो श्यामा श्याम, खूब जो है गाते हैं सारे साधु, बोलो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्यामा श्याम राधे श्याम। सभी साधु गाते हैं कि एक वारी करके सबकी बारी आती है। फिर सब वो कहते हैं कि जब काफी देर तक कीर्तन चलता है तो मीरा जी से कहते हैं कि अब आप कोई पद सुना दीजिए। मीरा जी कहती है ऐसी इच्छा। अब मीरा जी अपने पैरों में घुंघरू बांधती हैं, नृत्य करने के लिए खड़ी होती हैं और गाती हैं। सारा साधु समाज बड़ा खुश होता है जब मीरा जी गाती हैं। तो वो गाती हैं, मैं तो सांवरे के रंग राची, मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधे पग घुंघरू, साज सिंगार बांधे पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची, हाँ जी मैं तो सांवरे के रंग राची। गई कुमती लई साधु की संगति, गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, भगत रूप भई साची, मैं तो सांवरे के रंग राची। गाए गाए हरि के गुण निस दिन, गाए गाए हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सुन बाची, हाँ जी मैं तो सांवरे के रंग राची। उन बिन सब जग खारी लागत, उन बिन सब जग खारी लागत, और बात सब कांची, हाँ जी मैं तो सांवरे के रंग रांची। मीरा श्री गिरिधर लाल सो, मीरा श्री गिरिधर लाल सो, Recording in progress. भक्ति भक्ति रसीली जांची, हाँ जी मैं तो सांवरे के संग और भजन समाप्त होता है। सब साधु महात्मा कहते हैं धन्य है मीरा, धन्य है। सब चरणामृत लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर उदा गई अपनी माँ के पास, वहां पे राजा विक्रम भी खड़े हैं। तो मीरा जी की ननद उदा और उनके देवर विक्रम और राजमाता, और विक्रम जो है अपनी बहन से कहते हैं, बहन उदा माता जी कहाँ है, जरा मुझे कुछ बात करनी है, अंदर है बुलाऊं क्या? अच्छा जरा उन्हें बुला तो सही, हाँ तनिक सूचना तो दे। उदा जाती है, राजमाता के साथ बाहर आती है, तीनों खड़े होते हैं। माँ, विक्रम कहते हैं, माँ मुझसे अब सहन नहीं होता। अब ये जो वृतांत चल रहा है, मीरा जी का कीर्तन करना महल में शुरू हो गया है, काफी दिन बीतते हैं। इसी बीच में राजा भोजराज बीमार हो जाते हैं और राजा भोजराज जो है स्वर्गलोक से धार जाते हैं। विक्रम, उदा और राजमाता तीनों बहुत ज्यादा विरोध में हैं मीरा जी के, और भोजराज की मृत्यु के बाद
वो कहते हैं विक्रम कि माँ अब मुझसे सहन नहीं होता, भैया भोजराज के परलोक से धारने के बाद तो ये मीरा और भी अधिक निर्लज्ज हो गई है, और जो राजमाता है बहुत गलत गलत शब्दों का प्रयोग मीरा जी के लिए करती हैं, कभी उन्हें कुल कलंकिनी कहती हैं, कभी उन्हें कुल नाशिनी कहती हैं, कहते हैं वो कहती है राजमाता मीरा जी की सास उनको कहती है जन्मते ही माँ को खा गई, फिर अपने पालक पिता को खा गई, और यहाँ कदम पड़े तो अपने पति को निगल गई, न जाने किसकी भूख कब शांत होगी, इस ये तो दिन पर दिन पता नहीं क्या करेगी हमारा। सासू माँ बहुत बोल रही है मीरा जी की, और विक्रम जो उनके देवर हैं कहते हैं अभी भैया को परलोक सिधारे अधिक समय नहीं बीता, कोई और स्त्री होती तो पति के वियोग में व्याकुल हो जाती, सती हो जाती, घर के बाहर कदम न रखती, पर इसे तो जैसे सुअवसर मिल गया है, जैसे ये तो इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही हो। और उसी समय उनकी ननद उदा कहती है अरे अभी देखना सब कुछ सत्यानाश करके छोड़ेगी, अरे पूजन ही करना है तो कुलदेवी का पूजन करे, हर समय गिरधर जी की रट लगी रहती है, गिरधर की ही रट लगी रहती है, पाखंड है पाखंड। अब सास कहती है अरे हाँ याद आया, उस दिन कुल पुरोहित जी कह रहे थे कि हमारी मान विपत्ति का कारण यही है कि हमारे राजघराने में कुल देवी का अपमान हो रहा है। अब ननद उदा बोलती है अरे कौन करता है कुल देवी का अपमान, यही तो करती है, और ये जो मीरा है यही तो करती है, मैंने कितनी बार कहा चलो कुल देवी की पूजा करने चलते हैं, चलती ही नहीं है, कुछ बोलती ही नहीं है, तस्से मस भी नहीं होती है, बस पाखंडी साधुओं के साथ घूमती रहती है, ना तो इतनी बातें बोल रही है मीरा जी के लिए। उनके देवर विक्रम कहते हैं माँ अब हमें इस विषय में तनिक गंभीरता से सोचना पड़ेगा, और हाँ सख्ती से काम लेना होगा। सास कहती है जो तुम्हें सही लगे विक्रम करो, और अंतिम बार उसे समझा बुझा के देख लो, यदि फिर भी यही करती रहे यही आचरण रहे तो जो तुम्हें सही करे कर लो। अब वो उदा को कहती है अपनी बहन को जाओ मीरा को बुला के लाओ, अब तो पानी सिर से ऊपर चढ़ गया है, पता नहीं मानेगी भी कि नहीं। अरे नहीं मानेगी, सास कहती है नहीं मानेगी तो अपने किए को भोगेगी, सहन करने की भी तो एक सीमा होती है, हमसे सहन नहीं होता, क्यों आई नहीं क्या। अब ननद कहती है अरे वो तो बगीचे में बैठी एक साधु से बातें कर रही है, सुना है अभी और साधु आने वाले हैं घर में, कीर्तन होगा आज, अब मैंने तो आपका संदेशा सुना दिया पर उसने तो सुनी अनसुनी कर दी, अच्छा चलो देखू तो सही। अब तीनों जाते हैं विक्रम उदा और राजमाता बगीचे में जाते हैं, बगीचे में छोटा सा मंदिर है जिसमें गिरधर गोपाल जी विराजमान हैं, और मीरा जो है वो एक साधु से बातें कर रही हैं, और वो क्या कह रही हैं कि आज तो महात्माओं ने बड़ा विलंब कर दिया, बड़ी देर कर दी, दूसरे साधु कहते आते ही होंगे देवी, महाराज अब तो सहन ही नहीं होता, राणा जी के स्वर्ग सिधारने के बाद तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत दुख देना शुरू कर दिया है, सासू जी और ननद जी तो फूटी आंख नहीं सुहाती हैं, सुना है उनको तो मैं फूटी आंख नहीं सुहाती हूँ, और जो मेरे देवर हैं राजा विक्रम वो भी मुझसे हमेशा गुस्से में रहती हैं, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आता। अब वो साधु जो जिनको बताती है मीरा जी वो कहते हैं मति मंद है बुद्धि नहीं है, अब ये बात विक्रम सुन लेता है और दूर से गरजता है उनका देवर अच्छा हम मति मंद है तभी तो तुम्हें यहाँ घुसने दिया, और चल यहाँ से निकलो, और वो हाथ पकड़ता है उस साधु का उनका देवर विक्रम और साधु को बाहर निकालता है, साधु तो जो बड़े आश्चर्यचकित हो जाता है, वो साधु को धक्का दे रहे हैं बाहर निकल यहाँ से बाहर निकल, और मीरा जो है उनके पैरों में पड़ जाती है कि अरे राणा जी ये आप क्या कर रहे हैं, साधु जन का अपमान कर रहे हैं, ये तो भगवान के अपमान के समान है, ये आप क्या अनर्थ कर रही हैं, उनके पैरों में पड़ जाती है, फिर जो गिरधर गोपाल जी की मूर्ति है वहां जाकर गिर जाती है कि हे प्राणेश्वर ये सब देखकर भी आप मौन है, रक्षा करो प्रभु ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब उनकी सास कहती है जो कुछ हो रहा है ना ये तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, तुम्हें आवश्यकता से अधिक छूट मिल गई,
और तुमने तो हमारी दया का अनुचित लाभ उठाया। सच्चाई तो यह है, तुम इस कुल के योग्य ही नहीं थी। तो मीरा कहती है, मैं कब कहती हूँ माँ कि मैं इस राजघराने के योग्य थी। उनकी ननद कहती है, चुप कर, बहुत बोल दिया तूने, ये तेरा ढोंग अब नहीं चलेगा, कान खोलकर सुन लो। अब उनके देवर कहते हैं साधु को, अरे पखंडी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अरे पखंडी, तू अभी तक खड़ा है, तू गया नहीं यहां से, चल निकल यहां से। और साधुओं को पकड़ पकड़ के महल के बाहर करते हैं। मीरा जी बड़ी दुखी होती है कि हे प्रभु, ये मैं क्या देख रही हूँ। राजमाता और जो विक्रम है, जो उनके देवर है, वो गुस्से से चले जाते हैं। उनकी ननद वही खड़ी है और मीरा जी रो रही है, खूब रो रही है, और बड़े विह्वल स्वर में ये गाती है, जोगी मत जा मत जा, जोगी मत जा मत जा, पाए परू में चेरी तेरी हूँ, पाए परू में चेरी तेरी हूँ, जोगी मत जा मत जा, प्रेम भक्ति को पैड़ो हुन्यारी, प्रेम भक्ति को पैड़ हो न्यारी, हमको गेल बता जा, जोगी मत जा मत जा। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जाओ, पाए परों में चेरी तेरी हूँ, जोगी मत जा। जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने लगाया, जोगी मत जा मत जा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, ज्योत में ज्योत मिला जा, जोगी मत जा मत जा, जोगी मत जाओ मत जा। और ये पद गाते हुए मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को अपनी गोदी में उठाती हैं और महल के अंदर चली जाती हैं, और पीछे पीछे उनकी ननद जा रही है। और इधर विक्रम तो महल में घूम रहा है नंगी तलवार हाथ में लेकर, कभी इधर घूमे कभी इधर, बड़े क्रोध से बड़बड़ा रहा है, बड़े क्रोध से, कि मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मेरे हाथों इसका वध निश्चित ही है। और वो जो उनकी बहन है उदा ननद, वो आ जाती है, किसका वध करोगे भैया? अरे इसी पापनी कुल कलंकिनी मीरा का, ये जो मानती ही नहीं है। विवेक से काम लो भैया, शक्ति का नहीं युक्ति का प्रयोग करो। अरे किस युक्ति का प्रयोग करो? यदि इसका अंत नहीं हुआ तो मुझे डर है कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, कहीं मैं विष ना खा लूं। अरे पुरुष होकर साहस खो बैठे हो भैया, बुद्धि और विवेक से काम लो, बड़े बड़े शत्रु भी परास्त हो सकते हैं। अच्छा बता, तू ही बता, मैं किस युक्ति से काम लूं? तीनों भाई बहन आपस में बात कर रही हैं। उदा कहती है, ननद कहती है, विष पान। अच्छा क्या मैं विष पान करूं? अरे आप नहीं भैया, मीरा करेगी विष पान। वह विष पान क्यों करेगी? कौन उसे विष देगा? तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। अच्छा फिर भी मुझे बता तो सही, किसके हाथ मीरा को विष भिजवाया जाएगा? अरे दासी चंपा के द्वारा। क्या तुझे विश्वास है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी? हाँ हाँ मुझे विश्वास है, वो किसी को ये बात नहीं बताएगी। पर यह तो जरूरी नहीं है कि वो लाए विष और मीरा विष पान कर ही ले। अरे भाई दासी जब उसे कहेगी ना ये गिरधर जी का चरणामृत है, तो वो पी लेगी और उसको पीते ही वो मर जाएगी। तो विक्रम बड़ा खुश होता है सुनकर, हंसने लगता है, अट्टहास करता है और कहता है, ठीक है, वाह मैं तो तेरी बुद्धि की बलिहारी, अपनी बहन से कहता है, मैं तो तेरी बुद्धि की बलिहारी, ये ले विष की शीशी। और निकाल कर देता है और कहता है, इसको काल कूट ही समझ, और जैसे ही मीरा इसे पिएगी तो क्षण में ही संसार को त्याग देगी। पर भैया एक बात बताओ,
तुम ये विष अपने पास क्यों रखे थे? अब विक्रम कहता है, अरे मैं तो इतना पागल हो गया हूं ना, मुझसे तो ये बदनामी सही नहीं जाती थी। मैं तो ये विष पीकर अपना ही अंत करना चाहता था। अच्छा हुआ जो तू आ गई। अब दासी को बुला, इसे जल्दी जल्दी भिजवा। मैं तो मीरा की मृत्यु का सुनने का समाचार बस चाहता हूँ, बस तू मुझे बता दे, मैं तो बड़ा व्याकुल हूँ। मेरे अच्छी भैया, तुम तो पुरुष होकर आत्महत्या करना चाहते थे। अब कभी भी भूल कर मन में ये विचार मत लाना। तुम जरा बाहर जाओ, मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। विक्रम बाहर जाता है। उदा दासी को पुकारती है, दासी चंपा इधर आओ। चंपा आती है, आज्ञा देवी। चंपा आज तुझे एक बहुत कठिन कार्य करना है। इस राजघराने की लाज तेरे हाथ में है, अब आज्ञा दे। यदि मैं अपने प्राण देके भी राजकुल की लाज बचा सकती हूँ तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ। दासी चंपा कहती है, अरे तुझे प्राण नहीं देने हैं, तुझे लेने हैं, तुझे लेने हैं, देने नहीं है। अच्छा, अब दासी घबरा के पूछती है, किसके प्राण लेने हैं मुझे, क्यों लेने हैं, कैसे लेने हैं? बड़ी घबराती है, अरे भाई इतनी सारी बातें पूछेगी क्या, मुझे क्या करना होगा? वो उसको विष पकड़ाती है। उदा कहती है, थोड़े से जल में मिला और उसे चरणामत बताकर दे आ मीरा को, और जब वो इसका पान कर ले तो तुरंत आके हमें बता दे। चंपा कहती है, जो आ गया। और वो जाने लगती है और फिर बुलाती है, अच्छा इधर आ, सुन, तनिक भी चूक ना हो और किसी को भी इस बात का पता ना चले, वरना तेरी खैर नहीं। अब चंपा कहती है कि मैं बड़ी स्थिति को गंभीरता से समझ रही हूँ राजकुमारी, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। ठीक है, अब जा जा, तुझे अपने काम में सफलता मिले। चंपा जाती है, और जो विक्रम है वो सुन रहे होते हैं सारी बात, उनके भाई विक्रम। अरे उदा, तुम्हारी बुद्धि की तो प्रशंसा करनी पड़ेगी, तुमने तो बड़े अच्छे ढंग से उसे समझाया। अब देखा, अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि चंपा हमें धोखा नहीं देगी? पूछती है कि तुम्हें सारी बातें कैसे पता, मैंने चंपा से क्या क्या बातें की? अरे मैं तो बाहर ही महल के दरवाजे पर खड़ा तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था, इसीलिए मुझे पता चला। अब वो कहती है उदा, अरे मुझे पूरा विश्वास है ये उसको पिला कर आएगी और शीघ्र ही वो प्राण त्याग देगी मीरा। अच्छा हाँ ये तो है, अगर उसने विषपान कर लिया फिर तो उसे कोई बचा ही नहीं सकता। चलो फूल कलंकिनी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी, सांप में मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। काश ऐसा हो जाए। अभी दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, थोड़ा समय बीतता है और चंपा भागी आती है, सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। क्यों चंपा, अपना काम कर आई? अरे चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ बोल। अरे मैंने तो अपना काम कर दिया था महारानी जी। चंपा डर रही है और कह रही है, अरे पर क्या कर रही है, बता जल्दी जल्दी बता, तूने क्या किया और क्या हुआ? अरे राजरानी का तो कोई बाल बांका भी नहीं हुआ, वो तो विषपान करके भी पूर्ण स्वस्थ है। महाराज ये कैसे हो सकता है, उसने विष पिया ही नहीं होगा, मैंने स्वयं अपने हाथ से उन्हें पिलाया है। उन्होंने गिरधर का नाम लिया, मेरे सामने विषपान किया, पर वो तो स्वस्थ है। अच्छा स्वस्थ है वो? हाँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों बड़े हैरान हो जाते हैं। और फिर विक्रम कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये दासी ना छल कर रही है हमारे साथ, ऐसा हो नहीं सकता कि वो विष पिया जाए और उसे पीने वाला मरे ना। इसने तो मीरा को विष दिया ही नहीं है, इसने धोखा किया है। उदा कहती है कि मुझे इस दासी पर इतना विश्वास है कि ये कभी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकती। अरे नहीं, वो मीरा बड़ी चालाक है, उसने सारे महल की दास दासियों को फुसला रखा है। जा चंपा देख वो जीवित है या मर गई। अरे चंपा कहती है, वो तो भजन गा रही है राजकुमारी जी, तो तूने उसे विष दिया ही नहीं होगा। तो उदा के पैरों में गिर जाती है चंपा कि क्या रानी जी आपको मुझ पर विश्वास नहीं? मैं जानती हूं कि तू विश्वासघात नहीं करेगी, पर ये विश्वास नहीं होता कि तूने विष दिया और विष का असर ना हुआ हो। और जो राजा विक्रम है वो भी कहते हैं कि मुझे भी विश्वास नहीं होता कि मीरा उस विष को पीकर जी सकती है। अच्छा ठीक है तुम जाओ। चंपा चली जाती है।
और दोनों आपस में भाई बहन बातें करती हैं कि इस बार बच गई, अब देखती हूँ ये कब तक बचेगी, मैं भी कोई दूसरा उपाय करूंगा, जब तक इसको समाप्त न कर दूं चैन की सांस नहीं लूंगा। और ऐसे ही प्रसंग चर्चा आगे और भी है, आगे के भाग अगली है उसकी। कहते हैं देखो ये जो विक्रम है अपनी बहन उदा की प्रशंसा कह रहा है कैसे करूं, ये तो उसकी दुष्टता है ना कि बुद्धिमता है, ये कितनी भारी दुष्टता है। मैं तो पता नहीं वो कहाँ गए होंगे ये इनके मीरा जी के ननद और देवर और सास और कहाँ किस हाल में होंगे। चलो लेकिन इनकी इनकी जो जय जयकार करवानी थी ना प्रभु ने, ये सारी इन्होंने प्रभु की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है, उन्होंने अपने भक्त की जय जयकार करानी है बताने के लिए भी। विश्वास रखो विष का भी अमृत बन जाता है, और जो मर्जी कोई करे लेकिन अपना प्रभु के साथ प्रेम मत छोड़ो। वाह वाह। और बाद में तो चलो हाँ आएगी साखी, क्योंकि बाद में तो इनको गुरु ने भी कह दिया, गुरु जी ने भी, रविदास जी ने भी, तुम भाई छोड़ के तो वहां चले जाओ। ऐसी ऐसी परिस्थिति को छोड़ देना चाहिए, चाहे जितना चाहे अपने हो, चाहे कितने ही क्लोज हो रिश्तेदार, अगर आपको प्रभु के नाम से वंचित कर रहे हैं तो उनको छोड़ देने में ही भलाई है। तो इसीलिए वो जगन्नाथ जी की तरफ जाती है एंड में, खैर वो आएगा स्टोरी में। तो ये बात अभी बड़े बड़े कष्ट की बात है, देखो कैसे भक्तों को कितना कितनी परीक्षा लेते हैं प्रभु। वाह चलो जय हो, थैंक यू रोजी, आप इतना प्रेम से सुनाते हो पूरा, ऐसे जैसे ये स्टेज पे ऐसे पूरा हो रहा हो, या हम देख रहे हो भी यहाँ भी क्या कैसे हुआ, पूरा नक्शा घूम जाता है। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो भाई।